वेलकम स्टूडेंट्स इन अ सीरीज ऑफ डिवीजन आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड पहले देखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय टेन एक क्वेश्चन लेते हैं 0.7 डिवाइडेड बाय 10 0.7 को 10 से डिवाइड करना है इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 बाय 10 नाउ आपको पता है कि 0.7 एक डेसिमल नंबर है और उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखते हैं 7 बाय 10 तो 0.7 को हम लिख देते हैं 7 बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 10 तो ऑलरेडी यहां पे है एक तो ये हो गया 10 10 डिनोमिनेटर में और आपका अब फ्रैक्शन बन गया 7 by 100, 10 into 10, 100 होता है। अब इस फ्रैक्शन को जो कि एक डेसिमल फ्रैक्शन है इसे आपको डेसिमल नंबर में लिखना आता है ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि यहां जब दो जीरो हैं डिनोमिनेटर में वन हंड्रेड दे रखा है तो ऊपर टू डेसिमल प्लेसेस बन जाएंगे इट मीन जीरो पॉइंट जीरो सेवन तो यहाँ एक चीज आपने देखी में 0.7 में वन डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल था और 0.07 में डेसिमल प्लेस के बाद यानी कि डेसिमल पॉइंट प्लेस शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ तो एक कंक्लूजन निकला कि डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 जब भी हम किसी भी डेसिमल को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट वन प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इस प्रॉपर्टी से हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं 3.5 को अगर 10 से डिवाइड करना है तो आपने ऐसा लिखा 3.5 पॉइंट फाइव टेन अब क्योंकि नीचे टेन से डिवाइड हो रहा है तो ये डेसिमल यहां से वन प्लेस शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा जीरो पॉइंट थ्री फाइव Now, division of decimals by 100. देखिए 3.06 को 100 से डिवाइड करना है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3.06 3.06 एक 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 ही बात है. है अब इस को भी जो फ्रैक्शन एक, एक में कन्वर्ट करते हैं 306 हंड्रेड सिक्स बाय हंड्रेड हो जाएगा इसका तो हमने 3.06 को 300 हंड्रेड बाय थ्री हंड्रेड सिक्स बाय हंड्रेड लिख दिया और 100 तो यहाँ ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में नाउ अब 306 By हो गया 100 into 100 equal to अब इसे जो इसे जो कि एक है है में में लिखना आपको आता है। कैसे? हम यहाँ पे जीरो काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फोर जीरो है तो ऊपर वन टू थ्री फोर डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा यानी हम यहाँ एक जीरो लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो सिक्स इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय हंड्रेड मूव द डेसिमल पॉइंट टू प्लेसेस टू लेफ्ट यानी जब भी हम हंड्रेड से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ टू प्लेसेस मूव हो जाता है देखिए यहां टू डेसिमल प्लेस थे और यहाँ फोर डेसिमल हैं यानी टू प्लेसेस मूव हो गया लेफ्ट तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं है। है, और थ्री के फाइव डेसिमल प्लेसेस बन जाएंगे कैसे देखिए दो जीरो अलग जाएंगे और डेसिमल यहाँ मूव हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव वन नाइन कंक्लूजन हमारा ये निकला कि जब भी हम किसी डेसिमल को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट वन प्लेस लेफ्ट की ओर मूव कर जाता है और जब किसी भी डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट टू प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करता है और जब हम किसी डेसिमल को थाउजेंड से डिवाइड करते हैं देन डेसिमल पॉइंट थ्री प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करता है प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक स्टेप ऑपरेशन के थ्रू इस नंबर को इसमें कन्वर्ट करना है अब ध्यान से देखिए 87.53 यहाँ 87.53 यहां 87 है और इसका बनाना है 8.753, तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे क्या करना है यहाँ टू डेसिमल प्लेसेस थे डिजिट्स वही हैं टू डेसिमल प्लेसेस थे और यहाँ हो गए थ्री डेसिमल प्लेसेस मतलब ये डेसिमल पॉइंट वन प्लेस मूव कर गया है और वन प्लेस कब मूव करता है डेसिमल्स प्लेस मूव्स वन प्लेस टू द लेफ्ट व्हेन डिवाइड बाय 10 तो यानी 10 से डिवाइड करके देख लीजिए 87.53 पे जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका डेसिमल जो पहले यहां था वो यहां आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 8.753 इसी तरह से 9.73 को 0.0973 में कैसे कन्वर्ट करेंगे अब देखिए यहां टू डेसिमल प्लेसेस है और यहां फोर डेसिमल प्लेसेस है मतलब टू डेसिमल प्लेसेस मूव कर गया आपका डेसिमल लेफ्ट की तरफ तो वी कैन से कि डेसिमल प्लेस मूव्स टू प्लेसेस टू द लेफ्ट व्हेन डिवाइड बाय हंड्रेड तो हंड्रेड से डिवाइड करके देख लेते हैं नाइन पॉइंट सेवन थ्री में हंड्रेड से डिवाइड करिए यहाँ टू डेसिमल प्लेसेस थे और क्योंकि हंड्रेड से डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल फोर हो जाएंगे यानी जीरो नाइन सेवन थ्री और जीरो के बाद यहाँ फोर प्लेसेस काउंट करके यहाँ डेसिमल लग जाएगा इसलिए यहाँ एक जीरो भी लगेगा तो आपका आंसर हो गया जीरो पॉइंट जीरो नाइन सेवन थ्री लास्ट क्वेश्चन और करते हैं 89 को 0.089 में कन्वर्ट करना है अब यहाँ देखिए 89 मतलब ये हुआ? मतलब हुआ कि जीरो से थ्री डेसिमल प्लेसेस हो गए लेफ्ट की तरफ थ्री प्लेसेस मूव कर गया यानी हम किससे डिवाइड कर रहे हैं या थाउजेंड से तो एट्टी नाइन में थाउजेंड से डिवाइड करके देख लीजिए जब हम थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो थ्री प्लेसेस मूव करेगा यानी जीरो एट नाइन और यहां डेसीमल लगा देंगे तो ये बन गया आपका जीरो पॉइंट जीरो एट नाइन सो माई डियर स्टूडेंट्स इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स वॉट यू नीड टू डू यू नीड टू जस्ट डू प्रैक्टिस एंड यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम गुड बाय